नेक्स्ट टॉपिक और जो कि है जी की अर्निंग्स सो so, जी एस ने एक इंटरव्यू एक में बताया लास्ट वीक कि जब वो फाइट कर रहे थे यू में देन तो ही वाज़ मेकिंग लॉट ऑफ़ मनी लॉट ऑफ मनी और हमेशा हमें से हमें ये लगता है कि व्हेन कॉर्नर कॉर्नर केम कॉर्नर वाज़ द फर्स्ट गाय वाज अर्निंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉर्नर वाज द गाय हु वाज बेसिकली फर्स्ट फाइटर हु ब्रोक दैट बैरियर की है एज ए यूएफसी एफ़ फाइटर यू कैन अर्न थ्री मिलियन, फाइव मिलियन टेन मिलियन लेकिन लग रहा है कि शायद वो बैरियर है वो पहले ही ब्रोक हो चुका था पहले ही ब्रेक हो चुका था और जीएसटी वाज़ टी वास्तव है सो जी ने एक बहुत ही जो बताई बड़ी बात वो ये कि वन ही फॉट फर्स्ट यू के लिए फर्स्ट फाइट थी द डेब्यू फाइट वहाँ पर उन्होंने कमाए थे छः हज़ार डॉलर तीन हज़ार फॉर द फाइट एंड तीन हजार फॉर द विन जब वो लड़ते हैं पहली बार बेल्ट के लिए अगेंस्ट मैट ह्यूज उसके लिए वो वो कमाते हैं नौ हजार डॉलर बिकॉज ही लॉस दैट फर्स्ट फाइट सो दे इज नो विन मनी जब वो फाइट करते हैं अगेंट डैन हार्डी कुछ साल बाद एज ए चैम्प तो उस फाइट के लिए वो कमाते हैं लगभग चार से पाँच मिलियन डॉलर और ये जो थर्ड जो कॉलम है ये थर्ड जो रो है ये मैंने डाली है चूंकि डैन हार्डी ने बताया था कुछ दिनों पहले कि वन ही फॉर्ट जीएसपी एस उनकी फ़ाइट हुई थी जीएसपी के साथ तो उन्होंने कमाए थे लगभग चौबीस हज़ार डॉलर और सब कुछ दे के फीस दे के अपने कोचेस की टीम की उनके बैंक में रुपए गए थे वो थे लगभग पाँच हज़ार डॉलर और मतलब कुछ उस तरीके का, का कार्यक्रम था वो जो कि बहुत ही कि नो, ए, एक नो एक सैड बात है और वन जी से बात हुई डेन हार्डी की कुछ टाइम बाद उस फाइट के तो बताया जीएसपी ने कि जो अमाउंट दी थी डेन हार्डी को यू सी ने फॉर दैट फाइट उससे पाँच गुना रकम जी ने खर्च की थी उस फाइट के ट्रेनिंग कैंप के लिए या, यानी कि अगर चौबीस हज़ार कह रहे पच्चीस हज़ार मान लीजिए पच्चीस हज़ार कह रहे हैं अगर डेन हार्डी तो लगभग एक लाख पच्चीस हज़ार डॉलर खर्च किए थे जी ने सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेनिंग के और जी ने कमाए थे उस फाइट के लगभग चार से पाँच मिलियन डॉलर्स उस टाइम पर और जो लास्ट फाइट थी जी की यू uh, के अंदर जो की थी अगेन अगेंस्ट माइकल बिस्पिंग उस फाइट में उन्होंने कमाए थे दस मिलियन डॉलर नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये दस मिलियन डॉलर इज स्ट्रेट अप जो जो यू एफ सी पर्स है या मे बी बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सर्स द एंडोर्समेंट जो कि होता है बिकॉज ऑफ दैट कि यू नो यू आर नाउ फाइट एज अ चैम्पियन डेफिनेटली वन यू फाइट यू यू लॉट ऑफ नो फॉर वन इंस्टाग्राम पोस्ट

कम्स बैक डायरेक्टली फाइट फॉर द बेल्ट फॉर द टाइटल और उसके लिए कमाता है वह दस मिलियन डॉलर एंड दिस ऑल्सो शो कपल ऑफ मोर थिंग्स की पहली फाइट सिर्फ तीन हज़ार डॉलर और उसके बाद देखिए आप बीच में आप मान लीजिए चार पाँच मिलियन डॉलर सो दिस शोज द गैप बिटवीन ए टॉप यू एफ सी फाइटर और एक नॉर्मल एवरेज फाइटर यानी कि अगर आप यू एफ सी के स्टार हैं इफ़ यू आर द टाइटल होल्डर ऑफ चैम्प हैं एंड यू आर आल्सो ए स्टार बिकॉज जी एस पी वॉज अ स्टार अगर आप लोग नए हैं यू एस सी के फैन बने हैं सो वे जी एस पी वज़ द चैम ही वॉज़ फिलिंग स्टेडियम्स जी एस पी में भी इतने पॉपुलर नहीं है यू एस ए में बट जो उनकी होम कंट्री है कैनाडा ही वॉज देयर द बिग स्टार और आई रिमेंबर की जब ही वॉज़ फाइटिंग गाइज़ लाइक यू नो जॉर्ज कॉस्चेक डेन हार्डी एंड यू नो निकडियस उस टाइम पर ही वॉज फिलिंग स्टेडियम्स कौन सी फाइट थी वो मे बी इट वॉज जॉर्ज क्रॉस चेक फाइट जब लेट मी जस्ट क्रॉस चेक ये नो इट वॉज फाइट अगेंस्ट जेक शील्ड्स सो द जेक शील्ड फाइट जेक शील्ड्स फाइट जो टोटल थी यस फिफ्टी फाइव थाउजेंड इन अटेंडेंस फॉर दैट फाइट फॉर जी एस पी इन कैनेडा एंड ये सब पहली बार नहीं है कि मोस्ट ऑफ द फाइट जो जी एस पी की हुई थी इफ आई कैन सी हेयर अपार्ट फ्रॉम हज लास्ट फाइट वो फाइट की उन्होंने मॉन्ट्रियल कैनेडा मॉन्ट्रियल कैनाडा टोरंटो कैनेडा मॉन्ट्रियल कैनेडा ओके सो मोस्टली जी को फाइट कराया गया इन कैनेडा बिकॉज वहाँ पर वो बहुत बड़े स्टार थे एंड वेन यू आर स्टार इन वन लोकेशन इन वन रीजन जहाँ पर आप फिल कर रहे हैं स्टेडियम्स सो आई थिंक यू एफ सी कैन स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू पे यू और यहाँ पर शायद वो दिखा रहे हैं कि जी एस टी वॉज मे बी द बिगेस्ट स्टार फ्रॉम द साइड ऑफ यू नो कैनाडा एंड दैट्स वाई जी एस टी वॉज अरनिंग दिस मच मनी एंड ए नॉर्मल फाइटर हु इज़ नॉट ए चैम्प हु इज़ नॉट ए स्टार लाइक आई कैन स्टिल टेल यू कि जो फाइटर्स जो कि आजकल खेलते हैं यू एस सी जो कि नहीं है स्टार दे स्टिल अर्निंग फिफ्टी फोर्टी थर्टी लाइक दैट और यहाँ पे जी एस पी एक फाइट के लिए एंड ऑबवियसली ही वॉज यू नो वन ऑफ द बेस्ट ही वॉज दफ़ दू नो वन ऑफ द गोट

मिलियन डॉलर्स बट येस आई आई एम श्योर कि जी एस सी वॉज अर्निंग उससे भी कई साल पहले ही वॉज अरनिंग दिस मच मनी यू एस सी के अंदर है के वी बिकॉज यू एफ सी डजेंट नॉर्मली पे दैट मच और यहाँ पर पिछले कुछ महीनों में हम बार बार बात कर रहे हैं इसके बारे में बिकॉज अब कह रहे हैं फाइटर्स की आई लाइक जॉन जोन्स का केस है लाइक लाइक फ्रांसिस इंगानू वो एस एंकी वी नीड लॉट ऑफ मनी एंड देस एं की नो बिकॉज यू हैव टू गिव मनी बैक टू यू एस सी जी एस सी वॉज फिलिंग स्टेडियम्स तब तक जाके उनको इतना पैसा यू दे रही थी कॉर्नर इज फिलिंग स्टेडियम्स सॉरी मे बी अरिनाथ नॉट स्टेडियम्स सो तब जाके उनको इतना पैसा मिल रहा है बट दोस्तों येस दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जी